Good evening, all the older adults and their caregivers. I am Dr. Naganath Narasimhan Prem, consultant geriatric medicine and elder care specialist in Jaslok Hospital and representing the Graceful Living Initiative. June 15th is a very important day in elder care. It is the Elder Abuse Awareness Day, and it is not only on this day, but every day we need to look for signs of physical abuse, mental abuse, social abuse, financial abuse in an older person. We need to see the signs of abuse. Let us stop abuse. Let us prevent elder abuse. The color purple signifies this, to join us into this revolution of stopping, preventing elder abuse. So not only on June 15th, it being the Elder Abuse Awareness Day, please join me in stopping, preventing elder abuse throughout. Whether it is in this time of the lockdown, or whether it is in unlocking, or whether it was before, or whether it is in future. Elder abuse is a strict no-no. Elder abuse can happen with someone who is near and dear. It could be through a paid caregiver. It could be through any other caregiver. So we need to be very vigilant. We need to recognize the symptoms. Sometimes it's very difficult for an older person to express themselves, and sometimes they are very much reluctant to even talk about it. Hence, speak up, support them, and try to make more and more people aware about elder abuse. But the most important thing is prevention of elder abuse, prevent abuse. Join me again in this purple revolution represented by the purple ribbon. June 15th, Elder Abuse Awareness Day. Not only today, not yesterday, but forever in the future. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम अमृता लवेकर है और मैं ग्रेसफुल लिविंग ये प्रकल्प के साथ मैं जेरेंटोलॉजिस्ट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके काम करती हूँ। और आज विश्व दुर्व्यवहार ज्येष्ठ रोकथाम दिवस है और बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में 15 जून को मनाया जाता है। हेल्पेज के 2018 के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने देखा कि हमारे देश में 60 वर्ष से ऊपर की आबादी का हिस्सा 9.3% है और भारत में 4 बुजुर्गों में से एक के साथ गलत व्यवहार होता है। आगे सर्वे में ये भी कहा है कि देश भर में 71% बुजुर्गों को दुर्व्यवहार का सामना हर दिन करना पड़ता है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के 6 भागों में बांटा गया है, उसके 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है संरचनात्मक और सामाजिक दुर्व्यवहार, दूसरा है अनदेखी और परित्यक्तता, तीसरा है असम्मान और वृद्धों के प्रति अनुचित व्यवहार करना, चौथा है मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और गाली गलौज करना, पांचवा है शारीरिक रूप से मारपीट करना और छठा है आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार करना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं एल्डर अब्यूज के, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये साल 2020 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, लिफ्टिंग अप वॉइसेस ये थीम रखा है और इसमें यही कहा गया है कि वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो बुढ़ापा एक अनिवार्य शारीरिक अवस्था है। ऐसे में युवाओं को एक बात गहराई से मन में बिठा लेनी चाहिए कि उन्हें भी ये समय के इस चक्र से गुजरना है। ऐसे में युवाओं के सामने सामाजिक व्यवस्था को संभालने का बरकरार रखने की बड़ी उनके सामने चुनौती है। वृद्धों की सेवा जरूरत पड़ने पर उनको करनी ही होगी और आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं है, आदर, सेवा और सम्मान उनका अधिकार है, उससे वंचित हम उन्हें नहीं कर सकते। और यही मैसेज देने के लिए आज के महत्वपूर्ण दिन पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती थी। आपने अच्छी तरह से सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेसफुल लिविंग हर तरह से आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। टुडे इज द 15th ऑफ जून, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। एज वी हैव सीन इन इंडिया द स्टैटिस्टिक्स आर वेरी हाई एंड द एल्डर्स आर ऑफन अब्यूज्ड, मे बी नॉट इन द फिजिकल फॉर्म ऑफन, it's verbal abuse, and we must get a grip of this and work it out for our people. We have an organization called Graceful Living,
And our website is www.gracefulliving.co.in. You can contact us for any kind of help, any kind of companionship needs, any kind of other needs. We are there to help you. नमस्कार. 15 जून हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एल्डर अब्यूज अवेअरनेस डे म्हणून पाळला जातो. तुमच्या आसपासही अशा काही घटना घडत असतील. ज्येष्ठांना आता अयाव्यात हवं आहे प्रेम आणि काळजी. त्यांची काळजी घेणारं, त्यांच्या गरजा समजून घेणारं कुणीतरी त्यांना हवं आहे. कदाचित तेही इतरांना इरिटेट करत असतील. त्यांचं हे इतरांना इरिटेट करणं आणि स्वतःही इरिटेट होणं हे समजून घेऊया. त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक गरजा जाणून घेऊया आणि नक्कीच त्यांना चांगलं जीवन प्रदान करण्याची जबाबदारी पार पाडूया. ज्येष्ठांना हवं आहे काळजी आणि प्रेम. चला तर त्यांचं पण इरिटेशन समजून घेऊया. त्यांचं इरिटेशन समजून घेतलं तर ते नक्कीच कमी होईल आणि ते त्यांचं आणि आपलं दोघांचं हे आयुष्य आनंदी आणि समाधानी करतील. या मिशनमध्ये ग्रेसफुल लिव्हिंग तुमच्यासोबत आहे. ग्रेसफुल लिव्हिंगचा उद्देशच ज्येष्ठत्व हा एक आनंदी आणि चांगला अनुभव होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. तर नक्कीच या मिशनमध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येऊया आणि ज्येष्ठांना एक चांगलं जीवन प्रदान करण्याची संधी निर्माण. नमस्कार.